हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ मजेदार पहेलियां। तो करना आपको ये है, एक पहेली सुनने के बाद वीडियो पॉज करना है, उसके बाद कमेंट करना है जो भी आपको उसका सही आंसर लग रहा है। और चिंता मत कीजिए, कमेंट बॉक्स ऑन है इस वीडियो के लिए, ठीक है? तो पहली पहेली है, एक बार राम को और उसकी बूढ़ी दादी को और उसके एक बेस्ट फ्रेंड सनी को, तीनों को एक गुंडे ने किडनैप कर लिया। वो गुंडा जहाँ किडनैप कर लेकर गया, उसने बोला, इस कमरे में एक बॉम्ब है, मेरे जाते ही 10 सेकंड बाद वो फट जाएगा और तुम तीनों मर जाओगे। राम डर गया, वो रोने लगा, बोलने लगा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। तब गुंडे ने बताया कि इस कमरे में एक बंकर भी है, उस बंकर से कोई एक ही आदमी उसमें घुसकर बच सकता है, क्योंकि वो बंकर बहुत दूर खुलता है जाकर, लेकिन बचोगे एक ही, अब तुम लोग अपने आप सोच लो। इतना कहकर वो बॉम्ब में टाइम स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अब आप लोग बताइए, राम क्या करेगा, किसे बचाएगा, खुद बचेगा? आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने आंसर तो लिख दिया होगा। वैसे इसका सही जवाब ये है, वो बॉम्ब को उठाकर ही बंकर में डाल देगा और फिर तीनों बच जाएंगे। मजा आई ना? चलिए अब मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ। एक बार सचिन अपनी बर्थडे पार्टी शिप पर दे रहा होता है, ठीक है? तो जब वो बर्थडे पार्टी दे रहा होता है, तभी उसी समय वो जो शिप होती है वो एक बड़े से चट्टान से टकरा जाती है और वो पूरी शिप पानी में डूब जाती है। जब डूब जाती है तो सारे लोग डूब गए, उसका सारा सामान, सब कुछ, लेकिन सचिन किसी तरह तैरता 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 आगे बढ़ता रहा और वो एक आइलैंड यानी टापू पर पहुंच गया। वो बुरी तरह थक गया था, वो इतना थक गया था कि उससे खड़े नहीं हुआ जा रहा था। तभी वो देखता है कि वहां पर 3 नाव हैं। एक नाव में एक 7 साल का बच्चा बैठा है, वो उसको चला रहा है। एक दूसरी नाव है, उसमें एक 70 साल के दादाजी बैठे हैं लगभग। और तीसरी नाव है, उसमें एक लुटेरा बैठा है। और वो लुटेरा क्या करता है, जिसके पास जो भी सामान होता है उससे छीन लेता है हमेशा सब कुछ। अब आप बताइए कि सचिन को किसकी नाव में बैठना चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। तो आपने क्या जवाब दिया? देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब ये होगा, वो छोटे बच्चे की नाव में नहीं बैठेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो बहुत थक गया। वो छोटे बच्चे के साथ बैठेगा तो उसे भी नाव चलानी पड़ेगी और वो नहीं चला पाएगा। जो बूढ़े दादाजी हैं उनके साथ भी यही कंडीशन है कि उसे ही नाव चलानी पड़ेगी और उसमें तो हिम्मत ही नहीं है। और रही लुटेरे की बात, तो जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो लुटेरा लुटेगा क्या? है ना मजेदार पहेली? तो चलिए अब आपसे तीसरी पहेली पूछती हूँ। तीसरी पहेली कुछ इस तरह से है, वो कौन सी चीज है जिसे काटने पर सब लोग गाना गाने लगते हैं? हाँ हाँ, गाना गाने लगते हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। सोच लिया ना? अरे आप सब जानते हैं, इसका सही जवाब है बर्थडे केक। जैसे ही कटता है वैसे ही सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगते हैं ना। तो चलिए अब आपसे पूछती हूँ चौथा और मजेदार सवाल। एक लड़का है और एक डॉक्टर है, दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। वो जो लड़का है वो उस डॉक्टर का बेटा है, लेकिन वो डॉक्टर उस लड़के का पापा नहीं। तो बताइए डॉक्टर उस लड़के का कौन है? सोचिए सोचिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5। सही जवाब ये है, अरे वो डॉक्टर उसके मम्मी है ना मजेदार? अब आपसे एक लास्ट सवाल पूछ रही हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है।
इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में एक लकी जो होगा पर्सन, उसके नाम के साथ मैं वो आंसर बताऊंगी। तो सवाल कुछ इस तरह से है, महक और ममता दोनों पक्की सहेलियां होती हैं, दोनों आइस टी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाती हैं। महक जो होती है वो 5 आइस टी जल्दी 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 5 आइस टी पीती है, और जो ममता होती है वो उतनी देर में 1 ही आइस टी आराम आराम से पी रही होती है, बहुत आराम से। बाद में क्या होता है कि महक जो होती है वो तो सही रहती है, लेकिन जो ममता होती है उसकी डेथ हो जाती है। अब सोचिए, अगर सारी जो चाय थी अगर उसमें जहर था तो महक को कुछ क्यों नहीं हुआ और ममता कैसे मर गई? अब आप इसका जवाब सोचकर और लिखकर बताइए, और आपको ये पहेलियां कैसी लगी वो भी बताइएगा, तो मैं और ढेर सारी पहेलियां लेकर आऊंगी। ओके बाय।